अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता परेशान। नरवर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। नरवर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता परेशान है। एक दर्जन से ज्यादा गांव के लोग शिकायत कर आवेदन दे चुके हैं, बावजूद इसके व्यवस्था नहीं सुधरी है। अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश है। दो दिन में व्यवस्था न सुधरने पर उपभोक्ताओं ने बिजली कंपनी के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। खेमरा शाखे ने बताया कि अधिकांश गांव में 24 घंटे के बजाय बामुश्किल 2 घंटे बिजली मिल रही है। ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अघोषित बिजली कटौती से परेशानी उपभोक्ताओं ने पहले भी बिजली कंपनी के अधिकारियों को आवेदन दिया था, लेकिन अब तक व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। मच्छरों के कारण गांव के लोग पूरी रात सो नहीं पाए हैं। ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन रात में सप्लाई चालू नहीं की गई। इसी तरह केरुआ देवरी खुर्द गांव में भी बिजली कटौती हो रही है। इससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय लोगों को चिमनी जलाकर काम चलाना पड़ रहा है। गांव के लोगों ने बताया कि बारिश के मौसम में अंधेरा होने के कारण घर के अंदर रहने में भी डर लगता है। बिजली कंपनी के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधारी जा रही है। इसके अलावा एक दर्जन ग्रामों में बिजली कटौती से गांव के लोग परेशान हैं। उन्होंने बताया कि इसी तरह अन्य गांव में अघोषित रूप से बिजली कटौती की जा रही है। इससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या हल नहीं होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सर, ये जो अभी ग्रामीणों ने एक समस्या दर्ज कराई, बिजली समस्या है, करीब एक महीने से परेशान हो रहे हैं कुछ गांव के लोग, किस तरह की समस्या थी, क्या समाधान निकला? अभी मेरे पास ग्राम केरुआ क्रिया सुनवाई पनाने डोंगरपुर ख्यापदा पनगटा और निजामपुर के करीबन 250 कृषक आए हुए हैं। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि हमारे गाँव में लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है, आती है तो 1 या 2 घंटे 24 घंटे में आती है। ऐसी स्थिति में उनके बच्चे परेशानी होती है, बारिश का समय गर्मी नहीं लगती है और कृषकों की खेतों की फसलें सूख रही हैं। तो उनके द्वारा बताया गया है कि जानबूझकर विद्युत विभाग द्वारा लाइट की सप्लाई नहीं की जा रही है। मेरे द्वारा ईडीबी से बात की गई है और इस संबंध में उनको मेरे द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं, बाकी वरिष्ठ अधिकारियों को मेरे द्वारा अवगत करा दिया गया है और हम कोशिश करेंगे कि कृषकों को किसी तरह की समस्या नहीं आए और उनको जो भी संभव हो लाइट की सप्लाई जल्दी से जल्दी शुरू हो। अभी कुछ ग्रामों में जैसे अभी धान का सीजन चल रहा है, धान फसल सूखने के कगार पर, उसके लेकर क्या करेंगे? उसके लिए बात की हमने यही से, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी लाइट की सप्लाई हो जाए जिससे उनकी सिंचाई हो सके धान की। क्या नाम होगा? मेरा नाम कुमार। कौन से गाँव के नाम? ग्राम पंचायत के। क्या समस्या दिया? समस्या बिजली विभाग। क्या समस्या? बिजली से साहब, बिजली बारे हमें बिजली नहीं देने का, एक महीने से परेशान है। हमारी खेती सूख रही है साहब, और साहब जाते हैं तो सुपरवाइजर साहब ये साहब कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर FIR लॉन्च करा देंगे, कुछ नहीं बस साहब। किस संबंध में FIR लॉन्च करेंगे? हाँ, और साहब ये कि तुम यह करोगे लाइट के बारे में, लाइट आ रही है जैसी हम दे रहे हैं। तो आपने अभी ज्ञापन दिया तो उसमें मांग क्या क्या रखी? मांग हमने वही रखी साहब, हमारे लिए लाइट की, जो हमारे मतलब 10 घंटे लाइट नियम में जो लाइट आ रही है वो लाइट दे हमें। अभी कितनी लाइट मिल रही है? अभी लाइट हमको कभी 1 घंटा आधा घंटा बाद। आपका बिल भरा है? ओके, बिल भरा है मेरा साहब। हाँ, एक दर्जन से अधिक ग्राम के लोग परेशान है और हम शासन से चाहेंगे कि इसका तत्काल निराकरण किया जाए। तो किसान आंदोलन हुआ तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जिला से क्या आश्वासन हो रहा है? अभी आश्वासन दिया है, तहसीलदार साहब ने कहा है कि हम आगे जाके अभी बात करते हैं और आपको शाम तक इस चीज से अवगत करा दिया जाएगा। एक दर्जन से अधिक ग्राम के लोग परेशान है और हम शासन से चाहेंगे कि इसका तत्काल निराकरण किया जाए। तो किसान आंदोलन हुआ तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जिला से क्या आश्वासन हो रहा है? अभी आश्वासन दिया है, तहसीलदार साहब ने कहा है कि हम आगे जाके अभी बात करते हैं और आपको शाम तक इस चीज से अवगत करा दिया जाएगा।